तो फ्रेंड्स, अगर आप जो है अपने लैपटॉप या पीसी में विंडो 10 का यूज़ करते हो, तो आप अपने जो लैपटॉप में उसमें डाटा यूज़ वाले प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। आपका जो लैपटॉप है वो डेटा की जो ज़्यादा खपत कर रहा होगा, तो उसको किस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 ऐसे स्टेप या कुछ ऐसे सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अपने जो लैपटॉप या पीसी है उसमें जो डाटा की जो प्रॉब्लम उसको आप सॉल्व कर सकते हो। आपका जो लैपटॉप है बिल्कुल लिमिट मात्रा में डेटा का उपयोग करेगा, तो कुछ स्टेप है जिनको आपको कंप्लीट फॉलो करना है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है। तो आप बिल्कुल अपने जो लैपटॉप में सेम यही प्रोसेस आपको अपने लैपटॉप में फॉलो करना है। तो पहला जो प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो आपको जो है माई पीसी वाला ऑप्शन देख लेना है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मैनेज वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो मैनेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, आपको जो है थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यह थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सर्विस एंड एप्लीकेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्विसेज वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको जो इस पर डबल क्लिक करना है। तो इस पर डबल क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अपडेट वाला, तो विंडो अपडेट वाला, या तो आपको जो इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके लैपटॉप में है यहाँ पे इनेबल शो होगा, तो यहाँ पे आपको इसको डिसेबल करके रखना है। तो इस प्रकार से जो आपको ये सेटिंग कर लेनी, आपके जो लैपटॉप या पीसी में यहाँ पे आपको ये इनेबल शो होगा, तो आपको इसको डिसेबल रखना है। उसके बाद में आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके क्लिक करना है। तो पहला सेटिंग तो आपको यह करना है। उसके बाद में आपको सेकंड जो स्टेप है, आपको अपने लैपटॉप में कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट एक साथ में प्रेस करने हैं। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो टास्क मैनेजर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको जो है टास्क मैनेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन या पेज ओपन हो जाएगा कि आपका जो कौन सा पेज आपका कितना डाटा का उपयोग कर रहा है, यहाँ पे आपको जो है इसमें देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्टार्टअप वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, तो आपको जो है यहाँ पे इनेबल से होगा, तो आपको इसको डिसेबल करके रखना है। तो इसको डिसेबल करने के लिए आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इनेबल डिसेबल वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको डिसेबल वाला ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे आपको जो है उसको डिसेबल करके रखना है। तो इसके बाद में आपको ओके कर देना है। इसके बाद में आपका जो यहाँ पे डिसेबल शो होना चाहिए, तो आपको सेकेंड स्टेप ये वाला जो फॉलो करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, तो आपको या तो अपने लैपटॉप की सेटिंग में आ जाना है, या फिर आपको जो यहाँ आप जो भी नेट यूज़ करते हो, जो भी वाईफाई आप यूज़ करते हो, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो है या प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जो अपने सेटिंग का जो है इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज को आप अपने सेटिंग्स मोड से भी खोल सकते हो, तो आपको जो है इस प्रकार से पेज में आ जाना है। यहाँ पे आपको पब्लिक से होगा, तो यहाँ आपको एक प्राइवेट रखना है। उसके बाद में ये मेटेड कनेक्शन वाला, तो फ्रेंड्स, ये जो आपके फ़ोन में इस प्रकार से बंद रहेगा, तो आपको जो इसको चालू करना है, यानी कि आपके पास में जो डेटा की जो लिमिट है वो बहुत कम है, तो आप इसको यहाँ पे ऑन रखना है। तो इस प्रकार से जो आपको ये सेटिंग कर लेने, तो इस प्रकार से आपको 3 स्टेप होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको एक नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। आपको जो है इसके मेन्यू बटन पर आ जाना है, और इस प्रकार से आपको जो है एक्सेल, वर्ड और ऑफिस का जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको जो इन आइकन पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है ऑप्शन होगा, तो आपको यह मोर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे इस प्रकार से जो है टर्न लाइव ऑफ शो होगा, तो यहाँ पे आपको जो ऑफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका जो इसको क्लिक करना है। तो मेरे यहाँ पे इस प्रकार से जो आपको शो होगा, तो मैं आपको एक बार दिखा जाता हूँ, आपको इस प्रकार से ऑफ वाला ऑप्शन होगा, तो आपको जो इसको ऑफ कर देना है। तो इसी प्रकार से इन तीनों चारों ऑप्शनों पर भी आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से जो आप अपने लैपटॉप या विंडो 10 की जो डाटा यूज वाली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको जो ये जरूरी सेटिंग है, तो आपको अपने लैपटॉप में कर लेने, अगर आप विंडो 10 यूज करते हो, तो कुछ आपका जो लैपटॉप बिल्कुल ना के बराबर आपका जो डेटा है उसका खपत करेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर जानकारी पसंद आएगी, आप हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना।